भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खेला जाएगा। शनिवार को खेले जाने वाले इस मुकाबले से पहले भारत ने 5 मैचों की सीरीज में अभी तक सिर्फ 1 मैच जीता है, जबकि वेस्ट इंडीज ने 2 मैच जीतकर 2-1 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया चौथे मैच की प्लेइंग 11 में बदलाव कर सकती है। आपको बता दें कि त्रिनिदाद में 3 अगस्त को शुरू हुई ये टी20 सीरीज को कहां तो भारत के पक्ष में एक तरफा माना जाता था और कहां यह भी जाता था कि सीरीज में लगातार दूसरी बार टीम इंडिया को अपनी उम्मीदों को बचाए रखने के लिए झुकना होगा। सीरीज में लगातार 2 हार के बाद टीम इंडिया ने गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में वापसी कर सीरीज गंवाने की शर्म को टाला था। अब फ्लोरिडा ने उसे एक बार फिर दोहराना होगा ताकि इसी मैदान पर एक दिन बाद सीरीज के आखिरी मैच में विजेता का फैसला हो सके। शनिवार यानी कि 12 अगस्त दोनों टीमों के बीच चौथा टी20 मैच खेला जाएगा। पिछले करीब 7 सालों में जब जब टीम इंडिया ने कैरिबियाई को दौरा किया है टी20 सीरीज का कम से कम 1 मैच फ्लोरिडा में खेला गया। इस बार सीरीज के आखिरी 2 मैच यहीं खेले जाएंगे और मुकाबले में वापसी के लिए टीम इंडिया के पास इससे अच्छा मैदान नहीं हो सकता। सेंट्रल ब्रोबार्ड मैदान पर टीम इंडिया ने 6 मैच खेले हैं, जिसमें लगातार 4 पिछले मैचों में वेस्ट इंडीज को एक तरफा अंदाज में हराया। आंकड़ों से इतर खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करें, टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा राहत की बात यह है कि सूर्य कुमार यादव आखिरकार अपने रंग में लौट चुके हैं। इस दौरे पर पहली बार सूर्या ने वो अंदाज दिखाया जिसने उन्हें पिछले 1 साल में टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज बनाया। सिर्फ 44 गेंदों में 83 रन ठोककर सूर्या ने टीम को आसान जीत दिलाई थी। वहीं सूर्या के साथ तिलक वर्मा का लगातार तीसरे मैच में भी दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट खास तौर पर कुलदीप यादव की बेहतरीन फॉर्म हौसला बढ़ाने वाली है। वहीं अक्षर पटेल ने भी पिछले मैच में किफायती गेंदबाजी की थी। युजवेंद्र चहल की फॉर्म में उतार चढ़ाव रहा, लेकिन वो अभी भी भरोसे के काबिल है। हालांकि तेज गेंदबाजी में बदलाव की संभावना है क्योंकि मुकेश कुमार इस फॉर्मेट में अभी तक कुछ खास नजर नहीं आए। ऐसे में अगर यहां बदलाव होकर आवेश या उमरान मलिक को मौका दिया जाता है तो हैरानी नहीं होगी। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।